क्या राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड राइट टू गेट अडॉप्टेड एज अ चाइल्ड अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है? आइए इसे हम दो केसेस के थ्रू समझते हैं। पहला केस, फिलिप्स अल्फ्रेड माल्विन वर्सेस वॉइजे गोंजाल्विस, और दूसरा सबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिलिप्स अल्फ्रेड माल्विन वर्सेस वॉइजे गोंजाल्विस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड है, ये बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत आता है। लेकिन राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड और टू गेट अडॉप्टेड एज अ चाइल्ड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अडॉप्शन आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट ज़रूर है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहा गया था फिलिप्स अल्फ्रेड माल्विन वर्सेस वॉइजे गोंजाल्विस। दूसरा, सबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि अगर एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत, तो अडॉप्शन के जो प्रोविजंस हैं वो सभी पर्सनल लॉज पर प्रिवेल कर जाएंगे अगर अडॉप्शन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होता है। लेकिन अभी के लिए वो सर्कमस्टांसेस नहीं हैं जिनके तहत हम अडॉप्शन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दें। तो अडॉप्शन से जुड़े ये हमारे पास दो केसेस हैं, फिलिप्स अल्फ्रेड माल्विन वर्सेस वॉइजे गोंजाल्विस, जिसमें ये कहा गया कि राइट टू अडॉप्ट इज इनहेरेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा सबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी चाइल्ड का अडॉप्शन होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, तो वो अडॉप्शन सभी पर्सनल लॉज के ऊपर प्रिवेल करेगा, लेकिन अडॉप्शन अभी के लिए हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में अडॉप्शन से जुड़े ये जो दो केसेस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर फ्री लेक्चर्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नॉलेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।